हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल तरीकों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ क्योर पिंपल इन 3 to 5 days। जिनके पस के पिंपल्स हैं उनको भी फायदा होगा और जिनके हल्के हो गए हैं उनको भी 3 दिन में बहुत रिलीफ मिलेगा। इसमें आपका इंटेक भी है, खाना भी है और लगाना भी है, तो ये दोनों चीज़ों से आपके लिए फाइट करेगा। बट आपको इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ ध्यान रखना है, जो प्रिकॉशन लेनी है वो आप इसमें खट्टा नहीं खा सकते हैं, आम नहीं खा सकते हैं, आप इसमें ब्लैक चना नहीं खा सकते हैं, आप ग्रीन मूंग नहीं खा सकते हैं और किसी भी तरह का मीठा नहीं खा सकते। पोमोग्रेनेट खा सकते हैं बट पाइनएप्पल नहीं खा सकते हैं। जिनको भी अभी पस की प्रॉब्लम हो गई है और पिंपल्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में इस प्रिकॉशन को मानना होगा। तो आइए देखते हैं ये इन्ग्रीडियंट क्या है। ये इंग्रेडिएंट है नीम, ताजी नीम मैंने यहाँ पर ली है। अगर आपको अवेलेबल नहीं हो तो आप ड्राई नीम भी ऑनलाइन ले सकते हैं, बट नीम की लीफ अक्सर घर के बाहर ही पेड़ मिल जाता है बहुत इजीली, तो आपको अवेलेबल हो जाता है। इसका जो कुछ फायदा है वो मैं आपको बता दूंगी, आपके ऊपर वर्क कैसे करेगा। ये फंगल डिजीज से आपको बचाता है, स्किन के ऊपर या बॉडी में अगर किसी तरह का पॉइजन है उससे ये क्योर करता है, आपको उसको हटाता है आपके बॉडी से, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, काफी हद तक वो बढ़िया कर देता है, आपके एक्ने को ठीक करेगा, एक्ने को और भी जल्दी वो क्योर करता है, और स्किन के लिए बहुत अच्छा टॉनिक होता है। जो टॉनिक आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये टॉनिक बनेगा कैसे और इसको यूज कैसे करना है। इसके अलावा इसका जो बेनिफिट है वो आईज के लिए बहुत अच्छा है। अगर आईज में आपकी प्रॉब्लम होती है तो इसका टॉनिक जो मैं बताऊंगी उसको थोड़ा माइल्ड रखना और उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं, और बहुत अच्छी बेनिफिट इसको। आईज को सुबह सुबह वॉश करना है, उससे माइल्ड वाटर को एक मग में 1 tablespoon डालो जो मैं अभी टॉनिक बताऊंगी, और उसको 1 liter पानी में मिलाओ और उससे आईज वॉश करो, तो आई साइट भी ठीक होती है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है और जिनको सर में दर्द होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी अच्छा होता है। बट यहाँ पर मैं अभी आपको टॉनिक बताने वाली हूँ कि नीम लेंगे आप, यहाँ पर नीम 100 ग्राम लेना है अप्रॉक्स, और उसमें मिलाएंगे आप 200 ml वाटर, उसको पीस कर जूस निकाल लीजिए। उस जूस को आप इंटेक कर सकते हैं 1 tablespoon, सुबह सुबह लेना है, डेली सुबह 1 tablespoon ले सकते हैं, रात में नहीं। जूस बहुत ठंड है तो आपको ठंड लग जाएगी, कफ एंड कोल्ड हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट आप 1 tablespoon ले लीजिए, और मैं 200 ml के करीब ही बता रही हूँ ताकि वो खराब ना हो, आप फ्रिज में रखें तो वो आपका 1 week चल जाएगा। अगर आपको फ्रेश नीम नहीं मिलता है तो आप फिर ऑनलाइन नीम पाउडर ले सकते हैं, उसको आप 1/2 teaspoon, इट मीन्स 3 ग्राम के करीब, या तो वाटर में मिक्स कर लीजिए। अगर वाटर में मिक्स करते हैं 50 ml में तो ज़्यादा बेनिफिट देता है, नहीं तो वैसे भी आप फांक कर पानी पी लें तो बहुत अच्छा असर होता है। इंटरनली आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, बट ये थोड़ा सा कड़वा होता है, तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जिसको ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी, उनके लिए भी अच्छा होता है। अब आती हूँ मैं टॉनिक पे, जो डेली फेस में अप्लाई करना है, आपको स्प्रे करना है। स्प्रे बॉटल ले लीजिए, कोई भी पुराना स्प्रे बॉटल आपको मिल जाता है जो आपके घर में आप यूज कर रहे हैं, तो उसको क्लीन कर लो, अच्छे से स्टरलाइज कर लीजिए, वो ले लेंगे, और 100 ग्राम फ्रेश नीम लीफ लेंगे, या तो फिर 2 tablespoon ऑफ नीम पाउडर लेंगे। उसके अलावा 1 tablespoon ऑफ एप्पल साइडर विनेगर लेंगे, अभी सबके पास होता है और कोई विनेगर आप यूज नहीं कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर आपके स्किन के बैक्टीरियाज को कम करता है और ऑयल बैलेंस करता है, तो वो नीम लेना है आपको। 200 ml वाटर को गर्म करेंगे, खौलाएंगे, और जब बॉईल हो जाएगी वाटर तो उसमें आप नीम को डालेंगे और गैस बंद कर देंगे, ढक करके छोड़ेंगे, और जब ठंडी हो जाएगी तो उसको उसमें एप्पल साइडर विनेगर आप मिला लीजिएगा, और मिला करके बॉटल में आप रख लीजिए, और ये आपका अच्छे से 1 महीना चल जाता है। आप इसको फ्रिज में रखिएगा, जब आप बाहर जाएंगे तभी आप उठाकर उसको पर्स में रखना, नहीं तो बाहर, बिल्कुल बाहर रखेंगे तो सम टाइम ऐसा हो सकता है कि ये खराब हो जाए। विनेगर डालने की वजह से ये खराब नहीं होता है, तो इसको आप कभी भी अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हैं, बहुत आसान है। दिन में जब भी आपका मन करे स्प्रे कर लीजिए, और ज़्यादा गीला हो जाए तो आप किसी भी टॉवल या कॉटन से आप पोंछ सकते हैं इसको। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, और अगर आपके पस वाले पिंपल हैं तो उस पर भी बहुत अच्छा, एक्ने है तो भी, और अगर नॉर्मल पिंपल्स हो रहे हैं तब भी, ये बहुत जल्दी पॉइजन को और बैक्टीरियाज को किल करता है आपके स्किन से, तो ये ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा जिनको दाग हो जाता है कि पिंपल के दाग हैं, वो टूथपिक लें और जो चंदन तेल आता है सैंडलवुड ऑयल, वो उसके ऊपर टूथपिक से डिप करके लगाना, वो बहुत महंगा तेल होता है बट बहुत अच्छा असर होता है, उसको भी अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपको इम्प्रूव करके मिलेगी। इसके अलावा आप नीम का पैक लगा सकते हैं, ये फ्रेश नीम लीफ का बना हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो पाउडर का भी बन सकता है। ये पैक आपको डेली लगाना है, कोई टाइम नहीं है, आप मॉर्निंग में लगा सकते हैं, नून में, इवनिंग में, जब आपको टाइम मिलता है तब ये लगा सकते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी वो होगा आपका एप्पल साइडर विनेगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैक के अंदर डालना है। इसके अलावा आप टी ट्री ऑयल इम्पॉर्टेंट है आपके पिंपल्स के लिए, तो आप उसको बिल्कुल अपने पास रखिए, खरीदिए। टी ट्री ऑयल बहुत थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। इसके अलावा है आपका नीम ऑयल, नीम ऑयल मार्केट में भी मिलता है और आप घर में भी बना सकते हैं, तो अगर घर में बनाना हो तो बिल्कुल मुझे बताइएगा। प्लस सैंडलवुड ऑयल, ये है चंदन का तेल, तो आप इस ये ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी कुछ ड्रॉप। नीम पाउडर मैंने बोला, अगर आपको लीफ नहीं मिलती है तो पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और चंदन का पाउडर यूज़ करना है। इसकी ये फ्रेश चंदन है, आप जो मार्केट में ढूंढना होगा, जो मुल्तानी मिट्टी मिली होती है वो वाला यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल फ्रेश वाला यूज़ करना है। चंदन पाउडर और चंदन का ऑयल जब आपके पिंपल ठीक हो रहे होंगे तो एक तो उसको क्योर भी करेगा, प्लस उसके दाग को भी रिमूव करता है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसलिए चंदन पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको ऐड करना बहुत ज़रूरी है अगर पिंपल में रियली आपको रिजल्ट चाहिए तो। इन तीनों को मिक्स करना है, इन पाउडर को मिक्स करना है, लीफ मिले तो पीस कर डालिए, और 1/4 टीस्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर होगा उसमें, 3 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल होगा, और 10 ड्रॉप्स आप नीम का ऑयल डालेंगे, एंड 3 ड्रॉप्स आप चंदन का तेल डालेंगे। उसको मिक्स करेंगे, अप्लाई करेंगे, 10 मिनट रखना है फेस के ऊपर, फिर आपको वॉश कर देना है, और ऐसा आपको करना है करीबन 10-15 दिन तो करना ही चाहिए। 3 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा पक्का, ये मुझे पता है। लेकिन अगर उसका दाग रह जाता है, ये जिसको एक्ने है दाग रह जाती है, तो उसके लिए चंदन का तेल बहुत अच्छा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको टूथपिक में डिप कीजिए और जहां जहां पे दाग है वहां पे लगा सकते हैं। जिनको चिकन पॉक्स के भी दाग रह जाते हैं या स्मॉल पॉक्स के दाग रह जाते हैं, उनके लिए भी चंदन ऑयल बहुत अच्छी चीज होती है, तो इसको अप्लाई करना है। इसके अलावा ये पैक के अलावा आप स्प्रे मैंने जो बताया है वो स्प्रे को बिल्कुल यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है इस स्प्रे का, मैंने अपने पेशेंट्स पे बहुत लोगों को देखा है कि बहुत अच्छी रिजल्ट होती है। और प्लस इनटेक अगर आप रखेंगे 1 टेबलस्पून डेली, सुबह ही लेना है, सुबह से लेकर के आप 4 बजे के पहले ले लीजिए, उसके बाद आपको ठंडी लग जाएगी, कफ हो जाएगा, ब्लोटिंग हो सकती है, तो खाने के बाद या ब्रेकफास्ट के बाद अगर आप वो लेते हैं तो उसका रिजल्ट आपके बॉडी पे बहुत अच्छा दिखाई देगा और आपके स्किन पे भी अच्छा दिखाई देगा, मतलब पिंपल अंदर से जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे, ऐसा है, ब्लड प्यूरिफाई होगा। जिनको भी पेट में एसिडिटी होने की वजह से भी पिंपल हो जाता है, वो पूरे अगर इस फॉर्मूले को करते हैं तो एसिडिटी बहुत कंट्रोल में आएगी, क्योंकि नीम बहुत ठंडा होता है, नीम की पत्तियां पेट के गैस को कम करती है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, कोलोन कैंसर से आपको बचाती है। तो ऐसे सिचुएशन में जब इंटरनली एंटीऑक्सीडेंट और सारे प्रोसेस चलते रहते हैं तो बाहर के स्किन पे बहुत ग्लो हो जाता है, इसीलिए करेला खाने से भी या उसके जूस पीने से आपको बहुत फायदा होता है, प्लस अगर नीम जूस आप पी रहे हैं तो वेट लॉस भी हो जाएगा। ये भी एक फैक्टर है कि अगर आप मोटे भी हैं तो भी समटाइम पिंपल्स सिर्फ फेस पे नहीं, गर्दन पे, फोरहेड पे और कभी कभी बट पे भी आ जाता है, तो वो भी इससे कंट्रोल बिल्कुल होगा। और इसको आप रेगुलर लें 15 डेज, मेरी तो यही राय रहती है कि कम से कम आप 15 दिन लें, तो एज रिवाइज भी होती है, फाइन लाइंस भी चले जाते हैं इससे, तो बिल्कुल इसको आप ट्राई कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। और जिनको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है वो अगर जूस इनटेक करते हैं तो अगर गर्म कर ले हल्का तो ज़्यादा बेटर होगा। बेसिकली ये खून की गर्मी को कंट्रोल करता है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो जो कुछ भी आपने इनटेक किया उस वजह से, तो बिल्कुल यूज़ कीजिए इसको। और आपके पिंपल और एक्ने और नीम पे ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों को हेल्प मिल पाए, इसको प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सकें, इस आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन स्किन केयर या हेयर केयर के साथ, तब तक के लिए बाय।